हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अनवर अमीर। दोस्तों, आज कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। आइए हम तारीख में जाकर, हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि पहले जो महामारियां हुई थी उसके अंदर कैसे काबू पाया गया था। सबसे पहले हम जाते हैं, बात करते हैं स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की। चेचक बहुत बार दुनिया में अपना सर उठा चुकी है और मैं बात कर रहा हूँ 1721 की। मैं पहले बात शुरू करता हूँ, इसके पहले भी हुई थी। 1721 में क्या हुआ था, अमेरिका में जब ये फैली थी तो एक वहाँ के बिजनेसमैन थे जिसका नाम था कॉटन मेथर। उनके जहाज़ के अंदर एक अफ्रीकन निग्रो, एक स्लेव, एक ग़ुलाम आया था, जिसने मेथर को बताया कि उसके पास में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का इलाज है। वो क्या था कि अपने हाथ पर ज़ख़म पैदा करना, कोई चीज़ से ज़ख़म पैदा करने के बाद में, और उस ज़ख़म पर जो किसी जो चेचक का जो मरीज़ है उसका जो पस लेके घस देना। जब ये घसते हैं तो इसके बाद में बॉडी की इम्यून सिस्टम डेवलप होती है और उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। इस तरह का तजुर्बा मतलब उसके गांव में किया गया था और उसने आके इसको ये बताया मेथर को। तो मेथर ने अपने डॉक्टर्स के साथ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया तकरीबन 400 लोगों के ऊपर, जहां पर उसने ये फार्मूला जो दिया गया था उसको अपनाया, और जो लोगों ने ये फार्मूला अपनाया तो सब के सब चेचक से बचे रहे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, 1796 में जब प्रकोप बढ़ते गया तो एडवर्ड जेनर साहब ने उसकी एक वैक्सीन निकाली 1796 में, और उन्होंने जो वैक्सीन निकाली थी वो थी काउपॉक्स। काउपॉक्स से बनी हुई एक, क्योंकि इन्होंने देखा काउपॉक्स जिसको होता है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, ये इनके स्टडी में था। तो काउपॉक्स का जो मटेरियल निकाल के उन्होंने इनोकुलेशन किया और स्मॉल पॉक्स से लोगों को बचाया। वैक्सीनेशन इस किस्म से शुरू हुई। अगर हम देखते हैं सब पहले वाले किस्से में भी, जो वो ग़ुलाम का था और ये वाला जेनर के भी जो केस के अंदर, तो इसके पीछे जो बुनियाद थी, जो प्रिंसिपल था, जो फलसफा था वो क्या था, वो था लॉ ऑफ सिमिलस यानी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। जो चीज़ बीमारी पैदा कर सकती है वो चीज़ उसे ठीक भी कर सकती है। ये है फलसफा होम्योपैथी का, ये है प्रिंसिपल होम्योपैथी की। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने इस प्रिंसिपल के बारे में कहा है कि जो मैं आपको ये डॉक्ट्रिन दे रहा हूँ उसको आप आजमाइए और जितने भी फेलियर्स होते हैं पूरी दुनिया को आप रिपोर्ट कीजिए। डॉक्टर हैनीमन ने और उनके साथियों ने पहले बहुत सारे वबाओं में इस किस्म से काम अंजाम दिया है। इस जो फार्मूले को इस्तेमाल किया गया, इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, और जिन लोगों ने इस चीज़ की मतलब इस्तेमाल किया गया वो बचे रहे। आइए देखते हैं हम किस किस्म से और महामारियों में होम्योपैथी का प्रिंसिपल जो किस किस्म से काम किया। 1831 के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी हुई थी कॉलरा की, एशियाटिक कॉलरा में, जहाँ पे हज़ारों लोग मर रहे थे। और उस केस के अंदर होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं, ग्रेटर मेलबम है, कैम्फर है, क्यूपरमेट, ये दवाइयाँ ऐसी थी जो महामारी पे पूरा कंट्रोल की। उस वक्त में कोई एलोपैथिक दवाई काम नहीं करती थी। अगर 40-60% अगर उनकी मौत होती थी तो यहाँ पर जो है बहुत कम 4-5% मौत हुआ करती थी। तीसरा जो हम बड़ा एक महामारी जो आया पिछली सदी में 1917-18 के अंदर, वो था इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक। वो भी इस किस्म से खतरनाक था। सुबह में लोग उठते थे अच्छे खासे, शाम में मर जाते थे। इस किस्म का ख़तरनाक वबा थी, पेंडेमिक थी, और उस वक्त में कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, उस वक्त में कोई वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हुआ था उसके लिए, और लोग यानी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उस वक्त में मर गया था। कोई लोग कहते हैं 60 मिलियन लोग उससे मर गए थे। अब जब होम्योपैथिक जो दवाई थी उसके अंदर, उस वक्त के अंदर जो लोगों ने, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने जो कारनामा अंजाम दिया उसके अंदर बहुत मजबूत उसमें जो पॉजिटिव रोल इसका पाया गया, और जो जहाँ पर 40% की लोग की डेथ पाते थे, 50% डेथ होती थी, वहाँ पर जो है इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट सिर्फ 1.5% थी, 1.05%। यानी होम्योपैथी दवाइयों से इस किस्म से होता है
कि मॉर्टेलिटी रेट जो है बहुत गिर जाती है। आज भी ये पॉसिबल है अगर होम्योपैथी को बराबर से इस्तेमाल किया जाए और होम्योपैथी की दवाई ली जाए, तो ना सिर्फ जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं वो ठीक हो सकते हैं, और जो लोग मतलब बचना चाहते हैं एहतियात के तौर के ऊपर, उस उन लोगों को भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एहतियात के लिए होम्योपैथी दवाएँ का इस्तेमाल कीजिए। जो 5% जो क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं, जिसको रेस्पिरेटर लगता है, ऑक्सीजन लगता है, उनके लिए भी ये पॉसिबल है। हम होम्योपैथी में दवाई, इस किस्म की दवा है, ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि ख़राब से ख़राब जो निमोनिया जो पैदा हो जाता है, बलगम जो जम जाता है, पूरा ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से मौत हो जाती है, जो रिपोर्ट्स आती है सीटी स्कैन में, एक्सरे में, उसको कवर करने के लिए भी मतलब कि दवाई मौजूद है। और हिस्ट्री से ये पॉसिबल है कि जो मॉर्टेलिटी रेट अभी आज की तारीख में कोरोना का है, हम वो दवाइयों से मॉर्टेलिटी रेट भी साथ में, जो इमरजेंसी रूम के जो प्रोसीजर्स है उसके साथ साथ में अगर दवाई दी जाए तो इसे भी कम कर सकते हैं। तो मेरी तमाम लोग से दरख्वास्त है, गुजारिश है, हमारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है, हमारे सब चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि होम्योपैथी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से ये महामारी को हम फाइट कर सकें। पूरी होम्योपैथी की पूरी जो डॉक्टर्स आपके साथ में हैं, इनका पूरा आयुष सिस्टम का आप इस्तेमाल कीजिए, और जो दवाई जो हम जो तजवीज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और बाकी जो हमारे लोग जो साथी जो बता रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत मुमकिन है कि हम बहुत जल्द इस महामारी से बाहर आएंगे, और इसका मॉर्टेलिटी रेट जो अभी है ये 5% क्लिनिकल केसेस का, हम उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट कम लाने में कामयाब हो सकते हैं, मुझे उम्मीद है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सब लोग ये जो कुदरत की तरफ से दिया गया तोहफा, नायाब तोहफा होम्योपैथी की शक्ल में, आप सब लोग इस्तेमाल करें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें, अपने आस पड़ोस के मोहल्ले को, अपने शहर को और अपने देश को बचा के रखें। जय हिंद।